हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। बहुत अच्छी अपडेट आ रही है NIOT की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर ये आता है। इनके प्रोजेक्ट के अंदर साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई, जिसके लिए बीई, बीटेक, डिप्लोमा, ITI बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 55,000 रुपए पर मंथ आपको मिल जाएगा। डिटेल में हम इसके पूरे नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि मैंने बताया, अपडेट आ रही है NIOT की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंदर आता है। यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट, टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली हुई, जिसके लिए बीई, बीटेक, डिप्लोमा, ITI फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। फॉर्म भरने के बाद जो फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो हमें फॉलो करना है, जो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जो वैकेंसी, जहाँ पे आपको 55,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा, बीई, बीटेक, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सिविल की वैकेंसी है, टोटल 9 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 5, 5। बीई, बीटेक सिविल बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट डिवीजन 60% के साथ पास आउट वाले डिजायरेबल। मास्टर्स है, ME/MTech है सिविल में, तो वो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके अलावा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, स्टैट प्रो, एनसीस, ऑटोकैड का, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएंगे। डेट ऑफ रिक्रूटमेंट 9/7/2019 रखी गई है और प्रोसीजर है वॉक इन इंटरव्यू। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 55,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। एज लिमिट 35 ईयर्स रखी गई है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट मैकेनिकल की 9 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 6। एज लिमिट इसमें भी 35 ईयर्स है। बीई, बीटेक मैकेनिकल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में मास्टर्स मैकेनिकल ME/MTech किए हुए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑटो कैट प्रो, एनसीस अगर आपको आता है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। 55,000 रुपीज पर मंथ आपको मिल जाएगा 10/7/2019। यह डेट ऑफ रिक्रूटमेंट है, वॉक इन की डेट रखी गई है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 में ECE&I के लिए 2 वैकेंसी, अनरिजर्व है 1। 35 साल एज लिमिट रखी गई है। बीई, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन 60% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल मास्टर्स ME/MTech है ENC में, ENI में, CNI में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। 55,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा। 11/7/2019 रिक्रूटमेंट की डेट रखी गई है, वॉक इन होने का है। प्रोजेक्ट साइंटिस्ट EEEE अनरिजर्व 1 वैकेंसी है। 35 साल एज लिमिट, 55,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा। बीई, बीटेक इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 60% के साथ पास आउट वाले डिजायरेबल में मास्टर्स बोला गया है। 11/7/2019 ये रिक्रूटमेंट की डेट है। इसके अलावा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट फिजिकल ओशिनोग्राफी में भी पोस्ट निकली है, जिसमें मास्टर्स ओशिनोग्राफी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नेवल आर्किटेक्ट के अंदर भी 1 वैकेंसी, जिसके लिए बीई, बीटेक सिविल, ओशियन, नेवल 60% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों के लिए 11/7/2019 रिक्रूटमेंट की डेट है, वॉक इन रखा गया है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट सिविल की वैकेंसी है, 12 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 7। एज लिमिट 28 साल रखी गई। डिप्लोमा सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में हायर क्वालिफिकेशन बोला गया है, इसके अलावा एक्सपीरियंस बोला गया है। डिप्लोमा सिविल वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल हायर क्वालिफिकेशन बोला गया है। 24,000 रुपीज पर मंथ मिल जाएगा। रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट होने का है। 16/7/2019 डेट ऑफ रिक्रूटमेंट रखी गई है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट मैकेनिकल की 10 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 6। एज लिमिट 28 साल रखी गई है। डिप्लोमा मैकेनिकल ऑटोमोबाइल मैकेट्रॉनिक 60% के साथ पास आउट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ऑटो कैट प्रो का नॉलेज है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। डिजायरेबल में हायर क्वालिफिकेशन बोला गया है, इसके अलावा एक्सपीरियंस है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। रिटर्न प्लस स्किल टेस्ट होने का है। डेट 16/7/2019 रखी गई है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट EEEE की 2 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 1 सिंगल। एज लिमिट 28 साल रखी गई। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक 60% के साथ पास आउट वाले। डिजायरेबल में हायर क्वालिफिकेशन बोला गया है, 24,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। 16/7/2019 रिक्रूटमेंट की डेट रखी गई है। रिटर्न और स्किल टेस्ट होने का है। प्रोजेक्ट साइंटिफिक असिस्टेंट ECE&I अनरिजर्व 1 ही वैकेंसी है, 28 साल एज लिमिट रखी गई है। डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में 60% के साथ पास आउट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में हायर क्वालिफिकेशन बोला गया है। सैलरी 24,000 रुपीज पर मंथ। 16/7/2019 डेट रखी गई रिक्रूटमेंट की। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर वेल्डर की वैकेंसी है, अनरिजर्व है 6। 28 साल एज लिमिट रखी गई है। 10th+ITI मैकेनिकल फिटर वेल्डर मशीनिस्ट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल 2 साल का एक्सपीरियंस है तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। 15,000 रुपीज पर मंथ आपको मिल जाएगा। ट्रेड या फिर रिटर्न टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट होने का है। 17/7/2019 डेट रखी गई है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन की 4 वैकेंसी है, अनरिजर्व है 3। 28 साल एज लिमिट रखी गई है।
टेंथ प्लस आईटीआई इलेक्ट्रिकल में है प्लस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। 15,000 रुपीज पर मंथ ट्रेड टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट प्लस रिटर्न टेस्ट यहाँ पे हो सकता है। 17/7/2019 डेट रखी गई है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने की कोई भी फीस नहीं है, फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं है। आपको सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट निकालना है और फिर वॉक इन है या फिर आपका जिस दिन टेस्ट है तो उसको लेके आपको पहुंच जाना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी डेट 3/7/2019 रखी गई है। यह जो रिटर्न या फिर टेस्ट NIOT चेन्नई में होगा। टेस्ट 10:30 से स्टार्ट होगा, इंटरव्यू 10 बजे से स्टार्ट होगा। डेट मैं आपको बता दिया हूँ। ये जितनी भी वैकेंसी है ये टेम्प्रेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, लेकिन सैलरी यहाँ पे जो स्टाइपन है यहाँ पे बहुत अच्छा मिल रहा है। खासकर साइंटिस्ट को तो 55,000 रुपीज़ पर मंथ, जो कि बहुत अच्छा है। इसके अलावा जॉब की पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया में हो सकती है, तो वह भी आपको नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल्स अगर आपको जानना है तो नोटिफिकेशन की भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दे रहा हूँ, आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग। जय जवान, जय किसान।